ये देखो, ये सब यहाँ पे होमलेस लोग बैठे हुए हैं। तो गाइस रूम पे आने के बाद मैंने अपना कैमरा स्टार्ट करने की कोशिश की पॉकेट टू, लेकिन वो नहीं चल रहा है। तो अभी मैं शूट कर रहा हूँ गोप्रो से। क्या वो यार उसमें पानी चला गया ना, तो जिस वजह से अब उसकी मोटर काम नहीं कर रही है। तो अभी देखते हैं, थोड़ी देर मैंने सुखाने के लिए छोड़ा है उसको, क्या पता रात में चल जाए। लेट्स सी। अब इसमें ना क्या होता है, इसमें देखो कितना अंधेरा आता है यार। मैंने सोचा था कि रात को चलेंगे नाइट मार्केट, बढ़िया पार्टी करके आएंगे, सारा मूड ख़राब हो गया यार। अभी टाइम हो रहा है 9:40 भाई। अभी ना वीडियो थोड़ा ऐसे ही इंजॉय कर लो। अब मैं क्या कर सकता हूँ। बढ़िया एकदम, लोग फुल ऑन एंजॉय करते हैं अपना। आज वीकेंड है ना, सब लोग मस्त अपना गाना बजाना हम बढ़िया कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हम ट्राई कर रहे हैं प्रॉन्स एंड चिकन। ये प्रॉन्स है, ये चिकन है। स्पाइसी ही ना, हॉट ऑयल, ऑयल हॉट। ये आई हैव यू नो दैट ना? नो। क्या बोला? नो पैक। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई। दिस सॉस This is spicy? Spicy. Powder. Yes. Okay. Let's okay. Thank you. कैसा है? अच्छा तो है, टेस्ट तो अच्छा है। प्रॉन्स भी अच्छा है और ये भी अच्छा है, इसमें चीज़ है। मिर्ची पाउडर बोल के मिर्ची है नहीं। हाँ मीठा है। तो गाइस ये बहुत सही चीज़ है। आज हमारा थर्ड डे है इसको खाते हुए। और इसमें क्या है ना, मैंगो और स्टिकी राइस मिलता है। फर्स्ट डे भी हमने खाया था, सेकंड डे भी खाया और थर्ड डे भी खाया। और ये जो मैं आपको जिस स्टॉल्स दिखा रहा हूँ ना, ये सारे पातोंग बीच के कॉर्नर पे ही मिलते हैं। लाइक ये सामने पातोंग बीच है और इसके साथ ये पूरा वॉकिंग लेन है, ये पूरा बना हुआ है, ये देख लो आगे तक। और ये सारे स्टॉल्स लगे रहते हैं इधर साथ में। तो यहाँ पे आपको इस तरीके के स्टिकी राइस, पैनकेक्स और जो भी चिकन खाया वो, तो इस तरीके के वो मिल जाएंगे स्टॉल्स लगे हुए। तो गाइस आज हम ट्राई करने वाले हैं सिंगा। और ये जो है ना, यहाँ की ओरिजिनल थाई बियर बोला है इसमें, बैंकॉक थाईलैंड की मैन्युफैक्चरिंग है। तो गाइस मैं जा रहा हूँ अभी बंगला नाइट मार्केट, जो मैंने आपको कल भी दिखाई थी। सिस्टर और जीजू तो चले गए हैं वापस होटल की तरफ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना जीजू की, इसलिए तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। और आज मैं आपको एक नई साइट दिखाऊंगा यहाँ की, जो मैंने अभी आते टाइम देखी थी कार से। उस टाइम तो मेरा मूड ऑफ हो गया था यार, मेरा कैमरा ख़राब हो गया इस वजह से। कल का प्लान था अच्छे अच्छे शॉट्स लेने का। देखो अब कोई बात नहीं, गोप्रो से ही शूट करेंगे। और मैं आपको सामने एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट दिखाता हूँ, रिजॉर्ट। ये देखो कितना सही बना हुआ है भाई, पूरा थीम रेस्टोरेंट है, अंदर से पूरा जंगल जैसा बना हुआ है। कोकोनट कितने अच्छे डेकोरेट करके लगाए हुए हैं। और फ्रूट्स तो यहाँ पे हर जगह मिलते हैं, जूसेस, फ्रूट्स। ये देखो, और सामने मसाज। ₹40 में मिल रहा है देखो कोकोनट, और हम लोगों ने यही कोकोनट ₹60 में लिया था। मतलब यहाँ पे जगह जगह फ़र्क है, आप ना बार्गेन करना सीख लो। बार्गेन करोगे ना तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से डील मिल जाएगी किसी भी चीज़ पे। ये भी पूरी कपड़ों की मार्केट है, यहाँ चलते हैं एक बारी देखते हैं क्या क्या है इसमें। भाई बहुत अच्छा बनाया हुआ है ये तो। ये देखो ये सब कैंडीज मिल रही हैं यहाँ पे।
ये देखो थाईलैंड टी शर्ट्स, क्रॉक्स भाई, ये तो वहाँ यहाँ पे बहुत मिलते हैं, बहुत। अगर आप लोगों को शॉपिंग करनी है तो इसमें आना, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है इसमें हर चीज़ की। और ये देखो ये कुछ अलग है। तो ये वाली जो मार्केट थी ना, इसमें काफ़ी अच्छे ऑप्शंस थे। इस मार्केट का नाम तो पता नहीं, एज सच कोई नाम नहीं था, बट ये मतलब ना इसी वाली रोड पे है जो ये बंगला स्ट्रीट के पास जो ये पूरा रोड है, ये जगह देख लो यहीं पे है। और ये देखो यहाँ से पूरा ये बांग्ला स्ट्रीट शुरू हो जाता है। और आज सैटरडे है ना, तो आज तो और ज्यादा क्राउड होगा यहाँ पर, पता यहाँ पे आज भी शो हो रहा है। देखो थे तो कल बहुत ज़्यादा क्राउड था। और अभी मैं इस मार्केट से बाहर निकल के दूसरी तरफ आया हूँ, यहाँ पे हम कल नहीं आए थे। देखा जाए तो ना यहाँ पर बस एक वो ही एक लेन है जो बंगला नाइट मार्केट वाली, बस वहीं पर ये सारे क्लब्स और दूसरे तरीके का माहौल है। फुकेट सिर्फ इसलिए फेमस नहीं है कि यहाँ पे लोग आते हैं और इन्जॉय करते हैं सिर्फ उस तरीके से जो आपने अभी देखा कि क्लब्स जाके और लड़कियों के साथ, नहीं, यहाँ पे बहुत कुछ है यार देखने को, ऐसी बात नहीं है, बहुत कुछ डिफरेंट है, बहुत कुछ अच्छा खाने को और बहुत कुछ देखने को घूमने को मिल जाएगा। अभी क्या हो रहा है ना कि GoPro में ना ये बहुत ज़्यादा इशू है कि अंधेरे में ना ये दिखता नहीं बिल्कुल भी, इसमें बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। मेरे को बहुत फील हो रहा है यार, मेरा वो कैमरा ख़राब हो गया, मेरा फेवरेट कैमरा था यार वो, भाई देखो कह रहा बुरा लगा कि मेरा कैमरा ख़राब हो गया। मैं वहीं पे व्लॉग कर रहा हूँ जहाँ पे मतलब कि यहाँ लाइटिंग ज़्यादा है, अंधेरे में व्लॉग करके कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये बनाना वॉक है इस जगह का नाम, और ये हमारे होटल से दिख रहा था लेकिन हम आए नहीं इधर एक बार भी। और देखो यहाँ पे आपको ऐसे स्टॉल्स पे बियर्स और विस्कीज़ वगैरह मिल जाएंगे, और जगह जगह पर आपको इस तरीके से ना टूर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये देखो आइसक्रीम्स। तो अभी मैं हूँ पतोंग बीच के दूसरे साइड पे, मतलब कि हमारा जो होटल है वो एकदम अपोजिट साइड में है और मैं इस साइड पे आया हूँ। तो क्या है ना यहाँ पे लोग अपनी बियर दारू वगैरह लेके बैठ जाते हैं मस्त, और अपनी बढ़िया पार्टी करते हैं, वीकेंड्स इंजॉय करते हैं पूरा। और ये सामने चल के देखते हैं अभी कि सामने क्या है, यहाँ पर मैं नहीं गया हूँ अभी, और यहाँ पर सामने काला चश्मा बज रहा है। यहाँ पे पर एक चीज़ है कि ना ये जब तक कुछ नहीं बोलेंगी लड़कियाँ आपको, मतलब ज़बरदस्ती नहीं करेंगी जब तक आप इनको मतलब ना अपनी तरफ से वो करो कि अप्रोच, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई वहाँ पे कुछ गलत हो जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं तब से यहाँ पे घूम रहा हूँ, इतनी देर हो गई,
एवरीबॉडी हैंड्स अप यस। तो इतनी देर हो गई यहाँ पे घूमते हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो अभी थोड़ी भूख लगी थी तो मैं आया हूँ सब्वे में और यहाँ पे मैं अपना सैंडविच बनवा रहा हूँ और मैंने लिया है 1 chicken slice सैंडविच। तो अभी चेक करते हैं कैसे बनाते हैं। यस ऑल वेजीज, या दैट्स इट, नो पिकन, नो एलपिनोस। सॉस 4 ओनली, या दैट्स इट। टेक अवे इन हियर, इन हियर, यस। No, nothing else. Thank you. अच्छा बनाया, 5 sauce डाल दिए, बढ़िया। और भाई मैं आज स्विमिंग करने के बाद बहुत ज़्यादा मतलब काला लग रहा हूँ। एक्चुअली इसमें तो आ ही रहा हूँ, वैसे भी मैं काला लग रहा हूँ क्योंकि टैनिंग हो गई है बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छा बनाया भाई सैंडविच और क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये देखो ये सब यहाँ पे होमलेस लोग बैठे हुए हैं, इनके पास घर नहीं होता है ना, सब यहीं पे पी पी के लेटे हुए हैं। तो गाइस अभी मैं बीच पे वॉक करते हुए जा रहा हूँ अपने होटल और मैं आपको बता दूँ कि भाई मैंने पूरा फुकेत घूम लिया है बाय वॉक और सच में बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत सारी मार्केट्स हैं और बीचेस हैं और माउंटेन्स हैं, भाई सब कुछ है यहाँ पे। और बाकी नाइट लाइफ तो आपने देख ही ली है, वो भी है। तो गाइस होटल वापस आ गया हूँ अभी घूम फिर के और अभी टाइम हो रहा है 2:00 PM, बढ़िया घूमा भाई, बहुत कुछ देखा और थक गया बुरी तरह आज, पर मज़ा आया। यहाँ पे वॉक करने में मज़ा भी आता है देखो, नो डाउट। और ये देखो कैमरा मेरा नहीं चल रहा है, मैंने इसको खोल के रख दिया पीछे से लेकिन अभी भी स्टार्ट नहीं हो रहा है यार, क्या करूँ यार, मेरी गलती थी, मुझे पानी के पास नहीं लेके जाना चाहिए था। एक्चुअली लेके भी नहीं गया था, इंटेंशनली मेरे हाथ में था, मैं जस्ट खड़ा था और पीछे से वेव्स आई और मैं गिर गया और ये जस्ट मेरे हाथ से ऐसे गिर गया यार, खोल के छोड़ दिया है, अभी स्टार्ट हो जाए तो अच्छा है। चलो इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना है एंड जो लोग अभी नए देख रहे हैं ना प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बिना बिल्कुल मत जाना। और कल का व्लॉग बहुत ही सॉलिड होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं स्पीड बोट से आइलैंड्स घूमने और पूरे 7 points हैं वहाँ पर और उसमें 3 island हैं। सुबह निकलेंगे यहाँ से 8 और शाम को 5:30 वापस आएंगे, पूरा घूम फिर के स्पीड बोट घुमाएगा, खाना पीना सब वहीं पर सब कुछ, तो बढ़िया मज़ा आएगा, काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा और आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत कुछ अच्छा। चलो मिलते हैं इसी के साथ, स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स, गुड नाइट।